नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लोग शहर आते हैं बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन शहर की जिंदगी की अपनी जरूरतें होती हैं। यहाँ ज्यादा कमाई तो होती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो लोग कल तक कम सुख सुविधाओं में जीने के आदि होते हैं, शहर की चकाचौंध में उनकी सोच भी बदल जाती है, उनके सपने भी बदल जाते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की होड़ में इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा कमाना चाहता है। इसी चक्रव्यूह में उलझकर हम में से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और कुछ किसी जाल में फंस जाते हैं या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि में उलझ जाते हैं, और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। भाइयों और बहनों, आज मुझे आपके सामने ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम सबकी मेहनत से अमन नगर के हमारे इलाके में इस पदपेढ़ी का उद्घाटन होने जा रहा है, और ये शुभ कार्य करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा भवानी साड़ी केंद्र की सरिता मोरे जी को, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत हमारे इस इलाके में हर कोई खुशहाल और सेहतमंद है, इसीलिए तो हम सब लोग इन्हें देवी मानते हैं। सरिता जी, हम सब की तरफ से मैं आपको विनती करता हूं कि आपके शुभ हाथों से इस पदपेढ़ी का उद्घाटन करें। देख शंकर, काम थोड़ा टेढ़ा है पर करना पड़ेगा। साहब, सीधे काम के लिए आप मुझे क्यों याद करते? बोला ना, हमें नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हो सकता है हमारा शक गलत साबित हो, इसीलिए इस काम को करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देगी, समझ रहे हैं? और इसीलिए ये काम हम तुम्हें सौंप रहे हैं। पर सर, काम क्या है? 7-12 काढ़ा सही है का सर। मुझे कुंडली निकालनी है, उसके बारे में आगे पीछे ऊपर नीचे की सारी जानकारी मुझे चाहिए शंकर। मिल जाएगी ना सर, काम हुई, टेंशन नहीं। बस ये बता दो कि वरात कौन सी काढ़ाई है। एक साड़ी की दुकान है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में साड़ी की एक दुकान आखिर पुलिस के लिए इतनी अहम क्यों हो गई थी? क्या राज था जिसे ढूंढना बेहद जरूरी था, और वो कौन लोग थे जिन पर कार्यवाही करने से पहले पुलिस पूरी सावधानी बरत रही थी? हर एक चीज की कड़ी जांच की जा रही थी, लेकिन सही मायनों में ये तो इस कहानी का अंतिम चरण था। इस कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। आई बस झालं, तुला किती वेळा सांगितलं मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। शादी नहीं करनी है तो कैसे आ रही हूँ, घर में बैठी रहेगी? आई, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस लड़के से नहीं। का? का है झालं? क्या खराबी है इस लड़के में? कैसे समझाऊं, ये लड़का गांव में रहता है। अरे तू कौन से शहर में पली बड़ी है? बिल्कुल सच कहा तुमने, मेरा पूरा बचपन इस गाँव में बीत गया, पर मुझे अब मेरी जिंदगी नहीं काटनी है। आई बाबा, मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुंबई जैसे शहर। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, वहाँ मेरा घर होगा। मैं शहर में रहना चाहती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता, भाना और ये देख बेटा, पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। अरे गृहस्थ भी कोई चीज होती है ना? नहीं आई, आज के तारीख में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही इंसान की औकात बनाता है। अगर ऐसी बात है ना तो नहीं है मेरी औकात। अरे नहीं है मेरी औकात तेरे लिए शहर से कोई ना बड़ा अमीर लड़का ढूंढ के लाने के लिए। लेकिन बाबा, मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो चुका है, अरे लड़के वालों को शगुन तक दे चुके हैं हम लोग। अगर फिर भी तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा जहर ले क्या बाबा, जहर विष, जहर खा के मर जाते हैं, फिर तेरे दिल में जो आना है ना वो कर। तो तुम ही कुटे चल रहा।
या ना बोलूं समझ में नहीं आता इनको। समझो ऐसे दिन काटने पड़ेंगे मुझे। क्या चल रहा है सरिता, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तो और क्या करूं, एक मोबाइल फोन लाके देने कहा था तुमसे, एक महीना बीत चुका है अभी तक लाके नहीं दिया। ये देख रहे हो कपड़े के साबुन से हाथ में छाले पड़ गए, पर तुम्हें उससे क्या, वॉशिंग मशीन क्या मांग ली, जैसे ताजमहल मांग लिया हो। गर्मी से जान जा रही है मेरी, हेयर कंडीशनर नहीं तो एक एयर कूलर तो लाके देते। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे शादी से पहले महल में रहती थी तुम। नहीं ना, इसलिए तो तुमसे उम्मीद थी, पर तुम्हें उससे क्या, मुझे क्या पता था कि गले में ऐसा निकम्मा इंसान पड़ेगा। देखो सरिता, चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से तो बात करना ही बेकार। सरिता, क्यों इतना गुस्सा करती हो? ये मेरा गुस्सा नहीं, तुम्हारा जबरदस्ती का प्यार है। मतलब शायद मैं पेट से। अरे ये तो खुशी की बात है, मैं बाबा होना रहा है, मतलब मुलगा होना रहा है सरिता, मैं खूब खुश है। चुप रहो, इस खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आएगी, उसका क्या करोगे? सरिता तू टेंशन ना, क्योंकि मैं आए ना। अरे तुम हो ना इसीलिए तो। सरिता, सरिता, अरे माझा सोना, अरे सोना राजा, अरे कोणावर गेला रे तू, आईवर की बाबावर? अजे वा, अरे इकडे उभे जी, अरे माझे काय झालं सरिता, क्या सोच रही हो? देखो भगवान ने हमारा रिश्ता सुधारने के लिए एक वजह दी है, क्या हम प्यार से नहीं रह सकते? मुझे हमारा रिश्ता सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, अब मैं मेरे बच्चे के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे इसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे, और मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुकाऊंगी। ये देखिए एकदम नई चीज है। अरे भाई जल्दी देना पेपर्स, टाइम नहीं है मेरे पास। का है साहब तुम्ही पढ़ने, यार ऐसे बोनी के टाइम पे कोई इंक्वायरी करने आ जाता है क्या? ये साहब सरकारी नौकरी आमची, कॉर्पोरेशन का काम है। हां तुमची नौकरी थी नौकरी, और हमारा काम उसका क्या? ये देखिए क्या चाहिए आपको, और बोलिए। ये अच्छा, ये दुकान मालिक का नाम? सरिता मोरे। सरिता मोरे, और तुम कौन हो? जी राजा मोरे। अच्छा उनका आईडी प्रूफ चाहिए? वो नहीं अभी इधर। अरे नहीं मतलब क्या चाहिए मेरे को? राजा क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इन पर बिगड़ रहे हो? देखो ना काम के टाइम पे इंक्वायरी करने आ जाते हैं। जाओ तुम अपना काम करो, मैं देखती हूं। मैडम तुम्ही कौन? मैं सरिता मोरे। मैडम आपका आईडी प्रूफ चाहिए। ओह एक मिनट, ये आईडी प्रूफ। अरे वाह मैडम, आपकी फोटो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। सभी पेपर्स तो मुझे मिल गए, लेकिन एक बात पूछना मैं भूल गया। पूछे ना। कब से शुरू हुई है दुकान? बस यही कोई 4-5 साल पहले। अरे आपको चाय पानी लेंगे, बैठे ना थोड़ी देर यहाँ। अरे नहीं मैडम शुक्रिया, फिर कभी आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। कुलकर्णी क्या खबर? सर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। और कुछ? नहीं सर, मैंने ठीक से देखा, लेकिन पूरी दुकान में शक करने वाली कोई बात दिखी नहीं मुझे। कुलकर्णी कई बार हम अपने आंखों के सामने रखी चीज को भी पहचान नहीं पाते, इनके खिलाफ कोई तो ऐसा प्रूफ होगा जो हमें अब तक नहीं मिला। फिलहाल इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करो, देखो कुछ मिलता है। ठीक है सर। बीड जिले के एक छोटे से गांव में पली बड़ी सरिता सावंत को हमेशा से बड़े शहर का आकर्षण था। बड़े शहर की चकाचौंध में एक खुशहाल जिंदगी उसका सपना था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा हर सपना सच हो। जिंदगी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी पहेलियां लेकर आती है जिन्हें बूझना आसान नहीं होता। सरिता की जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी।
पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव का राज क्या था और क्या ये साड़ी की दुकान ही सरिता का सपना थी। सरिता मोरे की कहानी ऐसे कई सवालों से घिरी थी और तभी अहमदनगर में ही इस कहानी का दूसरा अध्याय लिखा जा रहा था। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ये काम नहीं करूंगी। बहुत हो गया जानवी, मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे माफ कराओ प्लीज। You are trying to call is currently switched off. तुझे अभी भी उम्मीद है क्या? इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूं मां। लेकिन बेटा इस छोटी उम्मीद पर कब तक जिंदा रहेगी तू? कभी ना कभी तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। अगर कचाला समझौते दिला वाटेल ते करू दे दिला, करो तुम्हारी जो मर्जी आए करो। देख ये सब मैं सही नहीं सकता, मैं जहर पीकर अपने आप को खत्म ही कर देता हूँ। बाबा नहीं, हाँ अरे बाबा नहीं, बाबा भाई शपथ सांतो माला जगाई जी इच्छत नहीं है। छोड़ो इसे, सुचित्रा क्या करेगा जी के, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। बाबा क्या बोलते तुम्हें, मेरी बात मानो। क्यों मानू तेरी बात, तू मानती है मेरी बात? जा तुझे जो करना है वो कर ले, मैं ये सब देख नहीं सकता, मुझे मरने दे। जो बोलोगे मैं आपकी बात मानूंगी, जो बोलोगे वही करूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी, ये सब मत करो प्लीज। देखो बेटा मैं समझता हूँ तू किस दर्द से गुजर रही है, मुझे एहसास है, मगर बेटा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ, अगर तुझे भल्यासाठी सगा करतो है ना का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुमची मुलगी आता आमची जिम्मेदारी। हाँ पर उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे काका क्यों टेंशन लेते हो आप, हा? उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे ना? हाँ एक काम करिए 6,000 रुपए जमा कर दीजिए बस। हेलो आखिर क्या हुआ था जाह्नवी के साथ, क्यों उसके माता पिता उसकी मौत का कारण बन गए, कौन सा राज था जिसे दबा दिया गया? लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है, मुजरिम चाहे कितनी भी खैर मना ले एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आता ही है। इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी थे, कई सनसनीखेज खुलासे होने बाकी थे, नए किरदार जुड़ने बाकी थे। अजून चपात्यात करते बाकीची काम कधी करणार आहेस? झालं आणते चपात्या घेऊन ये बाहेर। हो सब्जी में नमक कम है क्या? जेवनात लक्ष्य कुठे असतं इथं, खाने में नमक कहां से होगा? अरे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये हमारे घर में आई, ये मनुष्य कहीं मर क्यों नहीं जाती? आई भगवान के लिए मुझे कुछ बोलने देगी तू? सुनो तुम दोनों मियां बीवी जाके फैसला करो, बात को खत्म करो। दे मीटा था भैया तू सर चला सतवार येकडे ऐकलंस ना काय बोलताय ते, अब तुम्ही बता मुझे क्या करना है। लेकिन सिर्फ नमक की वजह से इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आरती आई बाबा जो बोल रहे हैं ना वो बात मान ली तो ठीक है,
बड़ा तुझे क्या लगता है वो तुझे इस घर में रहने देंगे? देख, छोटी छोटी बात पर ताने कसेंगे आरती, समझ जाए तू? तो तुम क्या चाहते हो? सर, सरिता मोरे के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में अक्सर बात करती थी और वो महीने में एक बार पुणे जाती भी थी। शिंदे, हो सकता है कि पुणे के उस स्कूल से हमें उसका अतीत का कोई खोया हुआ पन्ना मिले। एक काम करो, अपनी एक टीम को लेकर तुरंत पुणे जाओ। सर। अहो, कुठे चाललो आपण? तू चल तर। बहुत गलत काम किया मैंने, बहुत चिल्लाया तुम पर यार, मुझे माफ कर दिया, पण काय करू, आई भी ना बहुत किटकिट कर रही थी। तर मग आता काय करायचं? गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी ना। मतलब चल सांग। हर बार मतलब पूछती है। चल, तुला आज नवीन साड़ी घेऊन देतो। अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने बीवी पर। भाई तो आज तशी आइए, सेठ बैठिए बैठिए। हाँ, ये देखिए, ये एकदम नई चीज आई हमारे दुकान में, पहली बार आपको ही दिखा रहा हूँ। यस ऑफिसर, इस लेडी को मैं पर्सनली जानता हूँ, इनका बेटा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन आपको इनका नाम किसी ने गलत बताया। गलत नाम मतलब? हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका नाम सरिता मोरे नहीं, सरिता द्योले, अक्सर यहाँ आती है। क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ये ढूंढने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। रोहन के फादर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपके रिकॉर्ड्स में तो होगा ना? जी हाँ, आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगा। एक और बात, मुझे रोहन से मिलना है। देखिए ऑफिसर, एक्चुअली सब आप बच्चे की चिंता मत कीजिए, आई विल हैंडल द सिचुएशन, प्लीज। यस सर। रोहन देओले क्लास 7 से जो है उसको यहाँ लेके आओ। ओके सर। थैंक यू। रोहन है तुझ्यासाठी। मी तुझ्या वडिलांचा ना खूप जुना फ्रेंड, त्यांच्या शाळेचा फ्रेंड। सच? 100%। मुझे तुम्हारे पापा को मिलना है। वो आजकल रहते कहाँ है? हमारे गांव में रहते हैं, कुलगांव। कुलगांव? लेकिन तुम्हारी माँ तो अहमदनगर में रहती है ना? हाँ, जब मैं छोटा था ना तब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि पापा उनसे बहुत फाइट करते, इसलिए मेरी मम्मा उनसे अलग रहती है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे पापा अच्छे लगते हैं? मुझे दोनों भी अच्छे लगते हैं। तो मैं अब जब पापा से मिलूंगा ना, उनसे कहूंगा कि मम्मा से फाइट ना करें, ठीक है? थैंक यू बेटा। यू कैन गो नाउ। यस सर। दुकानात होतो ना मग घरी कसं काय आलो? पण तो दुकानात होतो ना मग घरी कसं काय आलो? मी घेऊन आलो तुला घरी। क्या क्या हुआ था मुझे? बस मागे हो जरा, एक बस था कुछ बस ना। साड़ियां देखते देखते तुम्हें चक्कर आने लगा। वो अच्छा हुआ मैं वहां था, ये तो वही गिर जाती। मग तुला मी रिक्षात टाकलं आणि घरी घेऊन आलो। काय झालं होतं मला? तुझं सांगितलं ना, डॉक्टर आहे थे, उन्होंने कहा था कि थकान की वजह से ऐसे हुआ। कौन से डॉक्टर? ते आपले जोशी डॉक्टर जे नेहमी येतात ते। हां, तू आराम कर। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो मुंबई गए ना। हे बघा, जे काय असेल ना ते प्लीज खरं खरं सांगा। मेरा 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 सर इतना क्यों भारी है? आणि आणि पोट
पोटात पण खूप दुखतंय माझ्या. हो हो माहिती आहे मला. बघ ते जोशी डॉक्टर त्यांच्याकडे पाटील आहे ना, तो आला होता. हा काळजी घे. पाटील? लेकिन उनके यहाँ पे कोई पाटिल वाटिल काम नहीं करता. इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? तुझा माझ्यावर विश्वास नहीं है का? तेरे से तो बात करना है फिजूल है. लाइटर फैन चालू है, मतलब घर में कोई तो होना चाहिए. चेक करो घर में. सर सर क्या हुआ? ऐसे मुंह से बहुत बास आ रही है, लगता पिया हुआ है. पानी डाल इसके मुंह पे. सर मेरे नई नई शादी हुई थी साहब, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ही चल रहा था. लेकिन वो बात बात पर गुस्सा होती थी, बात बात पर झगड़ा करती थी, बात बात पर गालियां देती थी मुझे. कुछ समय के बाद रोहन हुआ, मैं बहुत खुश था सर. लेकिन उसे खुशी नहीं चाहिए थी साहब, उसे साहब बहुत पैसा चाहिए था साहब, बहुत पैसा. पैसे चाहिए मुझे पैसे? पैसे बढ़ाने की अकल तो है नहीं, बस आवाज बढ़ाना जानते हो. तुमसे तो बात करना ही बेकार है. बेकार तो तुमने मेरी जिंदगी बना दी है. मेरे बेटे के साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगी. इसे गरीबी में से अड्डे नहीं दूंगी मैं उसे. तो क्या करोगी तुम? लोड़ी जा कड़ा सेल ना, जा बाहर आनी कब पैसे का मुंह दाखो. तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मेरा देख लूंगी. वैसे भी एक नौकरी देख ली है मैंने. कुटे? हॉस्पिटल में, श्री अम्बे प्राइवेट हॉस्पिटल. नर्स का काम है, 7,000 रुपए पगार है. लेकिन तुमने तो नर्सिंग का कोर्स भी नहीं किया ना. इतने सर चुकता तुम्हें? मैंने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया ये आप जानते हैं, पर वो डॉक्टर तो नहीं जानता. क्यों? तोड़ का वक्त है जय लवकर. नर्सिंग का कोर्स किया है? जी सर. कितने साल पहले? 2 साल पहले. आप कहाँ काम करती हो? साहब वो पिछले साल मेरे को बच्चा हुआ था तो काम छोड़ रखा था. ठीक है, तो कोर्स का सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करवा दो और कल से ड्यूटी पे आ जाना. धन्यवाद साहब, खूब खूब उपकार झाले. मैं ठीक है कोई बात, कल से आ जाना काम पर. उसके बाद तो साहब उसे पर ही लग गए थे. एक दिन साहब मैंने हॉस्पिटल में एक आदमी के साथ उसे देखा. वैसे हाथ बहुत पसंद आया तुम्हारा. मंजे? इंजेक्शन देती हो तो पता ही नहीं चलता. पता कैसे चलेगा, ध्यान तो कहीं और रहता है तुम्हारा. पता है तुम्हें? हाँ सब पता है मुझे, कहाँ देखते हो, क्या सोचते हो, सब. वैसे ये मीठी मीठी बातें करने के अलावा और काम क्या करते हैं आप? बस एक छोटा मोटा रियल एस्टेट का कामकाज है. भगवान की दया से गरीब का पेट भर जाता है. भगवान आप जैसा गरीब सबको बनाए. आराम कीजिए. क्या कर रहे हैं आप? सोड़ा मतलब इरादा क्या है आपका? सोचता हूँ तुझे भी मेरे जैसा गरीब बना ही दो. अच्छा तो बना ही दीजिए. उसके बाद साहब वो वहां नहीं रोकी,
वो गंदगी मेरे घर तक लेके आए। मुझे तो लगा था तुम पिछले हफ्ते आओगे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, क्यों? अरे एक डील के चक्कर में पुणे गया हुआ था मैं। मर? जाली डील? मैं जाऊँ और डील ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? पूरे 5 लाख का कमीशन उठाया इस बार। 5 लाख? राजा अब बस हो गया, मैं ऐसे चोरों की तरह छुपके छुपके तुमसे नहीं मिलना चाहती। तो बताओ क्या करना है? मुझे इस घर से बाहर निकालो, मैं तंग आ चुकी हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। वो इंसान ना ही खुद आगे बढ़ता है और ना ही मुझे बढ़ने देता है। तो छोड़ दो उसे, अगले हफ्ते आता हूँ। सच? तुम्हारी कसम। राजा। सरिता। तो ये है तुम्हारे पैसे कमाने का धंधे? और तुम्हें? संतोष, संतोष क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे? छोड़ इसे। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया कि इसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मेरे घर से। पर दोबारा तुम्हारी ये मनोसूरत मुझे मत दिखाना। देख। तू क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? दो कौड़ी के आदमी, मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, समझे? चलो राजा, चलो। उसके बाद साहब मैंने उसे मेरे जिंदगी से निकाल दिया। कोर्ट में लीगल प्रोसेस की मैंने डिवोर्स के लिए। मैडम साहब कुछ है? साहब वहां है। साहब, साहब मला एक कंप्लेंट करायचे। कसली कंप्लेंट? साहब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। गलत हुआ मतलब? सर मुझे लगता है कि मेरा अबॉर्शन कर दिया, वो भी बिना मेरे मर्जी के। देखिए आप जो कुछ भी हुआ है हमें डिटेल में और साफ साफ बताइए। सर 3 महीने पहले डॉक्टर सावंत के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं, मेरे पति, सास ससुर, हम सब खुश थे, लेकिन मेरे बच्चे के जन्म लेने से पहले एक टेंशन जन्म ले चुका था। आई तुला बोलो ना, मैं तुला समझाऊं तो म्हणून। हे बकचंदू, तू तुझा बायकोला काय ते समझा। अगर इसने बच्ची को जन्म दिया ना तो इसे इसके बाप से 5 लाख रुपया लाने को बोल, वरना इसे और इसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। लेकिन आई मेरे बाबा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आदिस्तानी तुम्हारा 2 लाख रुपये दिले इतना मां? बग चंदू बग, कैसी गिनती कर रही है? आणि काय ग, तेरे बाप से जो पैसे लिए वो मैंने अपनी अय्याशी के लिए लिए क्या? तेरे पति के काम धंधे के लिए लिए, समझी तू? जबान लड़ाती है। आई 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 तू शांत रह, मैं तेरा समझाऊं तो। देख आरती, अगर बच्ची पैदा करेंगे तो उसके शादी का, उसके दहेज का पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरे पहले उसे जन्म तो लेने दो। जन्म लेने के बाद क्या होगा? वो कुछ नहीं, अब ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं। मैंने सब सोच लिया, सब पता कर लिया। पंजे? राजकोट में मेरा एक दोस्त है जिससे मैं पता चलेगा बेटा या बेटी। एक छोटा सा टेस्ट होगा, अगर बेटी होगी तो गिरा देंगे, बात खत्म। फिर अगले हफ्ते मेरे पति मुझे राजकोट लेकर चले गए। वहाँ पे एक छोटे से क्लिनिक में मेरा टेस्ट करवाया गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जय माता दी। सर मेरे मेरे पति और सास को लड़की नहीं चाहिए थी। लोगों ने उस वजह से मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया था, और तो और उन लोगों ने मुझे बिना बताए मेरा अबॉर्शन करवाया। उस वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब होती चली गई, मुझे इन्फेक्शन भी हो गया, और उसके बाद तो
उसके बाद तो उन लोगों ने मुझे मेरे भाई के भेज दिया। आणि आता तर काय, माझ्या नवऱ्याने दुसरं पण लग्न केले। सर ये मेरे रिपोर्ट्स, जिंदगी बर्बाद करून टाकली होती त्यांनी माझी। और कहाँ हुआ था ये अबॉर्शन? सर वो मेरे पति मुझे भवानी सारी केंद्र में लेके गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सर आरती के मुताबिक वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी। अगर ये सच है तो फिर एबॉर्शन इलीगल है, क्योंकि ना 2 मेडिकल ऑफिसर्स को कंसल्ट किया गया था और ना ही आरती की कंसेंट ली गई थी। और दूसरी बात, ये आरती का पति चंदू भी उसे लेकर भवानी सारी केंद्र गया था। होना हो भवानी सारी केंद्र का इस इलीगल एबॉर्शन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ। सगळ्या गावात कोणीतरी असा असेलच ना जो सरिता मोरे, सरिता देवळे, डॉक्टर मोरे, डॉक्टर देवळे की सच्चाई को जानता होगा। सर अरे भाई सुनो, क्या हो रहा है? अरे भाई टेंशन मत लो, ऑपरेशन चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मैडम क्या हुआ है? मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको, माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम, अगर आपका दवाखाना ना होता तो ना जाने क्या हो जाता। अरे ये सब तो मेरा फर्ज है, पर वैसे भी आपको अच्छे से मिठाई लानी चाहिए, सबका मुंह मीठा कीजिए। जी मैं अभी लेके आता हूँ। जी ठीक है ताई, आपने वापस पान तंबाकू खाया? मैंने आपसे कहा था ना पान तंबाकू बिल्कुल बंद। अगली बार से अगर से पान तंबाकू खाया ना आपने तो इतना बड़ा इंजेक्शन दे दूंगी आपको, समझ गई? डॉक्टरनी मैडम, डॉक्टरनी मैडम मुंह बिठा कीजिए। अरे दिनकर राव किस लिए? हमारे बेटे का रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ मेरा बेटा। अरे वाह बहुत बहुत बधाई हो। पूरा लीजिए। नहीं नहीं बस बस, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। उसके परीक्षा के टाइम जो बुखार हुआ था आपने ठीक किया था, तभी ये सब हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है। सरिता एमएलए साहब के घर भी जाना है, याद है ना? नहीं हाँ चले? नहीं आप जाइए, मैं 5 मिनट में पेशेंट को देख के आती हूँ। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने जागरूक प्रचार चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब भी अपने दकियानुसी विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी अगर लिंग भेद की जांच होती, बेटी जानकर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है तो ये किसका दोष है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बहरहाल हर बार भवानी साड़ी शॉप का नाम सामने आने पर पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी और एक एक सिरे को टटोलने लगी। डॉक्टर सरिता मैडम, अरे वो तो साक्षात भगवान का दूसरा रूप है, ना जाने कितने लोगों की जान बचाई उन्होंने। हाँ शिंदे, क्या है नई जानकारी? सर गांव में बहुत लोगों से बात की, गांव के लोगों के मुताबिक तो वो भगवान है, उसने कई लोगों की जान बचाई। नहीं नहीं, गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश है ये, ताकि किसी को शक ना हो। सर इसके अलावा सत्यम क्लिनिक के वेस्ट से हमें लीड मिली है। सर ये देखिए बिल्स। ओम साई डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्स है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी के यहाँ से सही दवाई आती है। लेकिन सर बिल सत्यम क्लिनिक के नाम पे नहीं होते, बल्कि लक्ष्मी मेडिको के नाम पे होता है। अगर इनकी खुद की क्लिनिक है तो ये लोग दवाइयाँ दूसरे के नाम से क्यों लेते हैं? तो हैरानी की बात यह है कि सत्यम क्लिनिक से करीब 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मी मेडिको नाम की एक दुकान भी है, हमने वहाँ भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके यहाँ की दवाई तो किसी और ही डिस्ट्रीब्यूटर से आती है। शिंदे उत्सला या ओम साई डिस्ट्रीब्यूटर ला, शायद वही इन लोगों से मिला हुआ है। साहब मैं देवाची शपथ घेऊन सांगतो, मुझे इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी एजेंसी से एक फर्जी दुकान को दवाइयाँ बेची जाती हैं, ऑर्डर फॉर्म पे सिर्फ डॉक्टर का नाम लिखा है
रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा नहीं है, बिना ये सब कुछ देखे तुम डिलीवरी भी दे देते हो और अब कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। साहब, मुझे पता है कि लक्ष्मी मेडिको नाम की मेडिकल की दुकान है, वहां से हमेशा कॉल आता था, लेकिन उन लोग ने हमें कभी डिलीवरी देने ही नहीं दी थी। वहां से हमेशा एक बंदा आकर डिलीवरी लेकर चला जाता था, तो इसमें शक करने की कोई वजह भी नहीं हुई ना साहब। क्या हुआ सर? यही तो हमें भी जानना है कि क्या क्या हुआ है। देख यशवंत, तू बाल बच्चे वाला आदमी, अगर कुछ गलत हो गया तो तेरे अस्पताल के मालिक तो बड़े बड़े वकील कर लेंगे, कैट छूट भी जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो सीधा अंदर जाएगा और तेरे बाल बच्चे तो रास्ते पे आ जाएंगे। सपोज सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बस काम करता हूँ, वो लोग जो कहते हैं वही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ सर। यशवंत, ये मैं जानता हूँ, कोर्ट में तुम्हारी ये बात कौन सुने? तुम तो 5-7 साल के लिए अंदर चले जाओ। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे बचा लो, आप जो बोलोगे सो करने के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ, इस सत्यम क्लिनिक में कभी किसी की मौत हुई है या फिर कोई परमानेंटली अपाइज हो गया हो, कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? जानवी का एक लड़के के साथ अफेयर था, हमें भी उस लड़के से कोई आपत्ति नहीं थी, मगर जैसे ही जानवी की प्रेग्नेंट होने की खबर आई, वो लड़का किसी को बगैर बताए कहीं चला गया। जानवी अपर्चन करने के लिए तैयार नहीं थी, उसे यकीन था कि वो लड़का लौट आएगा, मगर वो जब नहीं आया तब हम टूट गए, और फिर हमने वो सत्यम क्लिनिक में जाकर छुपचाप अपर्चन करने का फैसला कर लिया। लेकिन जानवी की मौत कैसे हुई? पता नहीं साहब, शायद ऑपरेशन के टाइम पे कुछ हुआ होगा, हमें तो सिर्फ लाश ही मिली। तो आपने वहाँ डॉक्टर से कुछ पूछा नहीं? पूछा था, मगर उन्होंने हमको धमकी दी, हमें कहा ये बात अगर किसी को कह दी तो ये बात फैल जाएगी और तुम्हारी इज्जत तो जाएगी पर से पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे। तो हम डर गए साहब, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं कहा। आपने ये सत्यम क्लिनिक क्यों चुना? 6,000 में काम हो जाता है, सस्ता भी है, उसका नाम भी बड़ा था, लेकिन साहब हमें क्या पता था हमारी बेटी। सर, जानवी के माता पिता ने स्टेटमेंट दे दी है, इसके अलावा ये कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज है जो हमने कॉर्पोरेशन से मंगाई थी, जो डॉक्टर मोरे ने इश्यू की, और ये सभी फर्जी है। शिंदे, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, शंकर से कह दो कि अपना जाल बिछा दे। वरात कौन सी गाड़ी? एक साड़ी की दुकान। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन विनय मयेकर को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हीं की मदद से केस को सुलझाया जा सकता है। सर, वो क्या है ना कि मेरी बीवी का कहना है कि बच्चा गिराना पाप है। ऐसा पाप वगैरह कुछ नहीं होता है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, बस उसे चेकअप करवाने के बहाने से कल यहाँ ले आना। ठीक है सर। सर, डॉक्टर मैडम ने भेटून थोड़ा बोलू शकतो, थोड़ा तसल्ली करना है ना इसके लिए। अच्छा चलो। घबरता है तुम्हें? नहीं, तीसरी बार है ना। अरे ऐसा कुछ होता नहीं, हमने कई बार किया है। चलो सरिता, ये सुधाकर है। नमस्कार। बात हो गई इनसे, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, आप सिर्फ अपने पत्नी को कल सुबह 8 बजे यहाँ लेकर आइए, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। हेलो सर, शंकर बोल दो। हाँ बोल शंकर। साहब, आधा काम तो हो गया। ठीक है शिंदे, डॉक्टर मयेकर को इन्फॉर्म कर दो कल सुबह 8 बजे।
सर। आराम से आराम से प्रदीप, आराम से आराम से आराम से। कुछ नहीं हुआ प्रदीप, कुछ नहीं। जहाँ है वैसे ही रुकिए। ये क्या बदतमीजी है, या सर्जरी चल रही है? आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाइए। देखिए, ये कोई पेशेंट नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल है, कांस्टेबल अनीता। क्या? थैंक यू अनीता। वेलकम सर। और ये डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, और हाँ असली है, इन्हें इनका काम करने दीजिए। एक काम करो, सब सामान और डॉक्यूमेंट सब कर लो और टेस्टिंग के लिए ले चलो। देखिए आप हमारे सामान को हाथ नहीं लगा सकते, मैंने किया क्या है? ये जो भी पूछे उन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। हाँ, क्या मैं आपके मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? ये लीजिए। सर, ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं। शिंदे, यहाँ के सारे लोगों को हिरासत में ले लो। चलिए मैडम, अब आप अपनी प्रैक्टिस जेल में चल के करिए, बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आपको वहाँ पे। चलिए। देखिए मेरी बात सुनिए आप, छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए, मेरी बात तो सुनिए। सारा सामान जब्त कर लो और हॉस्पिटल को ताला लगा दो, चलो। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? देखो ना, बोला ही ना मुझे छोड़ने को। मुझे मंत्री जी से बात करने दीजिए। जिससे बात करनी है बात कर लो, लेकिन पुलिस स्टेशन चल के इसे भी लेके चलो। चलो, ये क्या तरीका है? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो राजा साहब, वाह, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की तुमने सरिता से। नकली सर्टिफिकेट बनवाए, पूनम नगरी पतपेड़ी के अकाउंट में 40 लाख रुपए जमा करवाए, गैर कानूनी काम के सड़क पे बहुत आगे निकल गए थे तुम, लेकिन ये भूल गए कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। साहब, हमारे ख्याल मिलते थे, हम दोनों में ही आगे बढ़ने की आग थी, और हम अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। एक साथ हो गए, मेरी मेहनत और इसका दिमाग। वाकई बहुत मेहनत की तुमने, अब वक्त आ गया है उस मेहनत के फल खाने का। मुझे कबूल है कि मैंने बिना डिग्री के प्रैक्टिस की, उसके पहले मैं जिस अस्पताल में नर्स थी वहां मैंने ये सारा काम किया था, बस पैसा और नाम डॉक्टरों को मिलता था, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से ये सारा काम सीख लिया था। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, एक तजुर्बेकार दाई को अपने साथ ले लिया। मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, पर बड़ी से बड़ी डिग्री रखने वाले डॉक्टरों से क्या गलतियाँ नहीं होती? दूसरों की गलतियाँ गिनाकर तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती सरिता। तुमने बिना किसी पढ़ाई बिना किसी ट्रेनिंग के इतना बड़ा काम शुरू किया जिसमें लोगों की जान दांव पे लगी होती थी, और अपना नाम अपना पैसा कमाने के चक्कर में तुमने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं। अब तुम्हारे सारे गलतियों की सजा तुम्हें कानून देगा। ये जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर फर्जी हो, लेकिन जब सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा हो तो सावधानी बरतना और जानकारी हासिल करना हमारा हक है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं सरिता और राजा जैसे लोग, और कई मासूम जिंदगियां इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं। सिर्फ पहनावे और रहन सहन में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी पिछड़ी हुई मानसिकता और सोच से बाहर आना जरूरी है। भारत आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान का विकास 7% की दर से हुआ है, और ये विकास पूरी तरह से भारत के शहरों पर निर्भर है। हमारे शहर आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इस उन्नति में जब ये शहर यहाँ होने वाले अपराधों के लिए बदनाम होते हैं, तो तरक्की की राह पर ये अपराध रोड़े की तरह महसूस होते हैं। हम रोज उन्नति के नए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन अपराध करने वाले भी अपराध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे शातिर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को कई तरह के एडवांस तरीके अपनाने पड़ते हैं,
लेकिन कुछ अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती बन जाता है। आज का ये केस हरियाणा के पानीपत शहर से जुड़ा है, जो कि कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का मैदान बना, लेकिन साल 2017 में वहां के एक कुख्यात अपराधी द्वारा पुलिस को ललकारा जा रहा था। जो बेवकूफ घना दिमाग लगावे है, बेरा है ना, उसे अपने हरियाणा में की कहवे से अटकल पच्चू मने जोकर। पानीपत पुलिस वालों, तुम जोकर हो, जोकर अटकल पच्चू बैल दिमाग। इंस्पेक्टर राजेंद्र चौधरी, पीएसआई सुरेश वशिष्ठ और एएसआई महेश त्यागी। तुम मुझे क्या, मेरी लंगोट भी ना ढूंढ पाओगे। सर इस बार इसने पोस्ट बागपत से किया था, चल भी बढ़ती जा रही है इसकी। यूपी पुलिस का वो बागपत का कोना कोना छान मारे, एक बार मेरे हाथ लग जाए इसका अटकल पच्चू तो मैं निकालूंगा। सर वो बागपत से भी भाग गया। बागपत से वो हरियाणा भी आ सकता है, राजस्थान भी जा सकता है। राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो किसी भी तरह हमारे हाथ आना चाहिए। ठीक है सर। पुलिस को जोकर कहने वाला ये अपराधी पुलिस को चैलेंज करके बार बार चकमा दे रहा था। कौन था ये जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार पुलिस का मजाक उड़ा रहा था? बड़ा भारी बंदोबस्त है, चूड़िया पहन लो पानीपत पुलिस वालों। बेवकूफों की पूरी फोर्स भी मिल जाए तो भी कोई मेरी पूछ ना फाड़ सकता। सर इस बार उसने ये पोस्ट राजस्थान के चुरू से की है। सुरेश सर, राजस्थान पुलिस को अलर्ट करो, इस बार यहां से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। क्या सर वो चुरू से भी भाग गया? पुलिस को बेवकूफ, जोकर, अटकल पच्चू और न जाने क्या क्या कहने वाला वो अपराधी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो पानीपत पुलिस को लगातार चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस उसको हथकड़ी पहना पाएगी या नहीं। दूर से देखा तो पुलिस टोपी लगा रही थी, पास आके देखा तो बाल खुजला रही थी। ओ तेरी, वो तो फिर से मार के भाग गया। सोशल मीडिया के इस मनचले अपराधी को पकड़ना पानीपत पुलिस के लिए इज्जत का मसला बन गया था। वो आए दिन पुलिस को इधर उधर भटका रहा था लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन ये अपराधी बार बार पुलिस को ऐसे चैलेंजेस क्यों दे रहा था? आखिर पुलिस को चैलेंज करके ये साबित क्या करना चाहता था? तीन राज्यों के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा देने वाला ये अपराधी आखिर था कौन? उड़ती चिड़िया के पर गिनने की मेहनत नहीं करता मैं तो देखते ही पर काट देता हूं चिड़िया के। वाह क्या कमाल लिखते हो, आपकी बातें तो सुन के कोई भी आप पे फिदा हो जाए। फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबां कहते हैं। वाह आपकी बातें तो आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही। भैया माँ बुला रही है, चलिए खाना खा लीजिए। तू चल मैं आता हूँ। ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप वापस से इस लैपटॉप में लग जाओगे। अरे चलिए ना, माँ और पापा दोनों इंतजार कर रहे हैं। तो चल मैं आ रहा हूँ, बस दो मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आना। हाँ हाँ।
प्लीज एक बार मिल सकते हो? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। भैया। हाँ? क्या बात है भैया, किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई? नहीं रे पगली, जिज्जत ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, तेरी उम्र हो गई है शादी की। अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र। माँ आज सब्जी में क्या बनाया? आलू गोभी। आलू गोभी? पर मैं तो पनीर। अरे पनीर ला के देगा तब तो बनाऊंगी ना, कितनी बार बोला है कि अगर पनीर खानी हो तो हरिदास डेयरी से पनीर लेके आ जाया कर, लेकिन नहीं। लेकिन माँ शाम को तो भैया पनीर लेकर आए थे। क्या पनीर लाया था? अच्छा कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। ठीक है मालती, लगता है तेरी दवा असर ना कर रही है, तू फिर सब कुछ भूलने लग गई। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल तू। नहीं जी, मैं आपके साथ डॉक्टर क्या नहीं जाऊंगी, मुझे ले जाएगा प्रमोद। सुरभि, प्रमोद और अपने पापा को बुला ले, खाना तैयार है। लेकिन माँ भैया अभी तक घर ही नहीं आए हैं। अच्छा तो मैं भूल गई, प्रमोद अभी तक नहीं आया? नहीं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। पापा भैया का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अरे बेटा हो सकता है उसके फोन की बैटरी उतर गई हो, उसके लैब में फोन करके पूछ। जी पापा। जी ठीक है। पापा वो तो कह रहे हैं कि आज भैया लैब ही नहीं आए। लैब नहीं गया? मालती आज सवेरे प्रमोद तुझे डॉक्टर के पास लेके गया था ना, और यहाँ दरवाजे पर छोड़ने के बाद वो ऑफिस जाने वाला था, जाने से पहले कुछ कुछ बोला प्रमोद? डॉक्टर? कौन कौन डॉक्टर? अरे माँ भैया आपको डॉक्टरनी के पास लेके गए थे ना। अरे इस भुलक्कड़ ने कुछ नहीं याद आवेगा, मैं प्रमोद के दोस्तों से जाके पूछता हूँ, शायद उन लोगों ने कुछ पता हो। माँ आप याद करने की कोशिश कीजिए, भैया आपको डॉक्टरनी के पास लेके गए थे, फिर कह रहे थे कि आपको घर छोड़ेंगे उसके बाद लैब जाएंगे। भैया ने आपसे कुछ कहा था? तो प्रमोद आज ऑफिस नहीं पहुंचा, लेकिन सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था। जी सवेरे तो वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकला था, उसके बाद वो अपनी माँ को घर छोड़ने के बाद ही ऑफिस जाने वाला था, और अपनी माँ से उसने कुछ कहा भी था, पर उसकी माँ को कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या कहा था उसने। याद नहीं आ रहा मतलब? मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है जी। तो प्रमोद अपनी माँ को कौन से डॉक्टर के पास लेके गया? डॉक्टर सरोजनी वशिष्ठ, दिमाग की डॉक्टर है वो, सलोनी रोड पर उनका क्लिनिक है, उन्हीं से प्रमोद की माँ का इलाज चल रहा है। ठीक है आप प्रमोद की सब डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। सर प्रमोद हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन है, सुबह फोन करके उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। सर बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं प्रमोद, आई विल मैनेज। सर वो कभी छुट्टी नहीं लेता, बहुत ही पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग है। सुरेश पता करो प्रमोद ने कल वाकई छुट्टी ली थी या उसका बॉस हमसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर। हेलो। ठीक है सर, प्रमोद के फादर ने हमसे कहा था कि प्रमोद अपनी माँ को लेकर डॉक्टर सरोजनी के क्लिनिक गया, लेकिन अभी फोन पे पता चला है कि वो क्लिनिक कल बंद था। वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रमोद मुझे कोई डॉक्टरनी के पास लेके नहीं गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो मुझे डॉक्टरनी के पास लेके गया था। माँ भैया मेरे सामने आपको ऑटो में क्लिनिक लेकर गए थे, लेकिन क्लिनिक कल बंद था। आपको पता है प्रमोद कल कहाँ गया था? सर जी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बीवी को भूलने की बीमारी से। तो आप में से किसी को कोई आइडिया है कि प्रमोद कल ऑफिस से छुट्टी लेके कहाँ जाने वाला था? हाँ त्यागी सर, करनाल पुलिस को करनाल हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है,
उन्होंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है। उसका फोटो इधर भी भेज दो। ओके सर। कल जब प्रमोद घर से निकला था तो उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? सर, भैया ने लाइट पर्पल कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सुरेंद्र जी, हमें करनाल हाईवे पे एक लाश मिली है, क्या ये प्रमोद? आपका करनाल में कोई रिश्तेदार है या प्रमोद का कोई दोस्त जिसे वो मिलने गया होगा? नहीं सर जी, हमारा करनाल में कोई नहीं है। पता नहीं प्रमोद बाप। ये बॉडी हमारी पेट्रोलिंग टीम को हाईवे के पास पड़ी मिली थी। बॉडी के पास हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पर्स ना मोबाइल, लेकिन बॉडी के पास रोड पे हमें ब्लड स्पॉट जरूर दिखाई दिए। हमें लगता है कि इसके सर को किसी व्हीकल से कुचला गया है, लेकिन जब हम इसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आए तो प्राइमरी रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि इसके सर में गोली भी लगी। गोली? शेर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता। अपनी औकात में रहो पानीपत पुलिस वालों। थाने में मच्छर मारो मच्छर, शेर का शिकार तुम्हारे बस का नहीं। प्रमोद की हत्या के 20 दिन बाद पानीपत पुलिस को ये सोशल मीडिया अपडेट्स मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन अपराधी हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के उस मंचले का प्रमोद के मर्डर से क्या कनेक्शन था, और मौजूदा वक्त में जो लाश करनाल से मिली थी उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। लेकिन प्रमोद के पेरेंट्स ने बताया कि बॉडी पर जो कपड़े थे वो प्रमोद के थे, इसलिए बॉडी की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा था, और प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड से इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। सर, प्रमोद का फोन उस दिन करनाल में ही बंद हुआ था, और सर उसके फोन से आखिरी कॉल किसी आशीष धूमल को की गई थी। सर, ये आशीष समालखा का रहने वाला है, और इसका फोन भी रात 11 बजे तक करनाल में एक्टिव था। ये देखिए। तो हो सकता है आशीष उस दिन प्रमोद के साथ ही हो। उठा के लाओ इसे। ओके सर। साहब, प्रमोद मेरा दोस्त था, मैं अक्सर करनाल जाता रहता था। कल उसने फोन करके मुझे करनाल तक की लिफ्ट मांगी थी। मैंने उसे पानीपत से पिक किया और करनाल हाईवे पे छोड़ दिया। वो रात को मेरे साथ पानीपत आने वाला था, बोल रहा था कि फ्री होगा तो मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल नहीं किया, और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था या तूने फ़ोन के साथ साथ उसे भी ऑफ कर दिया? आप यो के बोल रहे हैं? प्रमोद मेरा दोस्त था। हमें प्रमोद की डेड बॉडी करनाल हाईवे पे मिली थी, और उस रात तू भी करनाल में था। साहब, मैं आए दिन करनाल आता जाता रहता हूँ। प्रमोद को वहाँ ड्रॉप करके मैं अपनी पार्टी के पास आ गया था। कैसी पार्टी? सर, मैं लैब इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ। कल मैं जीटी लैब में था, आप चाहो तो पूछ सकते हो। पता करो इस आशीष और प्रमोद का आपस में रिश्ता कैसा था, और जिस जीटी लैब के बारे में बात कर रहा है वहाँ से पूछताछ करो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सच जल्दी सामने आ जाएगा। सर, करनाल पुलिस ने प्रमोद की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रमोद की हत्या सर में गोली लगने से हुई, और उसके सर में कांच के टुकड़े भी मिले हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया हुआ है कि हत्या के वक्त प्रमोद ने बहुत शराब पी रखी थी। सर, इसका मतलब यह हुआ कि नशे की हालत में पहले उसके सर पे कांच के ऑब्जेक्ट से वार किया गया, और उसके बाद उसके सर पे गोली मारी गई। अगर हत्या गोली मार के की गई तो फिर चेहरा क्यों बिगाड़ा गया? सर, हो सकता है कि बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए, क्योंकि किलर को डर था कि अगर बॉडी की पहचान हो जाती तो उसे पकड़ा जा सकता था। और सर, वैसे भी ना तो बॉडी के पास हमें कोई मोबाइल फोन मिला है, ना ही पर्स और ना ही और कुछ। मैं कुत्ते भी ऐसे पालता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलता। जिसको दबोचना है दबोच लो, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मौजूदा वक्त से 17 दिन बाद पुलिस को यह चेतावनी मिली थी, और मौजूदा वक्त में पुलिस प्रमोद की हत्या में आशीष की भूमिका खंगाल रही थी। आशीष अपने बयान पर कायम था, और अब पुलिस प्रमोद की फैमिली से दोबारा प्रमोद के करनाल जाने की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे याद आया, उस दिन प्रमोद और मैं क्लिनिक गए थे। वहाँ क्लिनिक बंद था, फिर वापस
प्रमोद ने मुझे घर छोड़ दिया और वो कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो कह रहा था कि मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देना, मैं रात को लेट आऊंगा। भैया ने लैपटॉप चार्ज पे लगाने के लिए कहा, लेकिन भैया तो ऑफिस लेके जाते थे लैपटॉप। लेकिन उस दिन तो वो ऑफिस गया ही नहीं। उसने आपसे ये कहा था कि वो करनाल जाने वाला है। साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का बर्ताव कैसा था? कोई ऐसी चीज जो आपने नोटिस की हो, आपको अजीब लगी हो? हाँ सर, भैया ना कुछ दिनों से काफी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। किससे चैटिंग कर रहे थे? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगा था। भैया। हाँ। किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई, लेकिन भैया ने मेरी बात टाल दी। सर हो सकता है कि भैया की कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो जो करनाल में रहती हो। प्रमोद का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट किस नाम से था वो बताइए, और उसका लैपटॉप लेके आइए। सर प्रमोद ने अपना सोशल नेटवर्किंग अकाउंट करीब 1.5 साल पहले बनाया था। प्रमोद किस किस के टच में था, मुझे हर एक आदमी की डिटेल चाहिए। जी सर। सर ये किसी दीपांकर नाम के लड़के से लगातार चैटिंग कर रहा था, एंड सर लास्ट चैटिंग भी इसने दीपांकर से ही की थी। फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबा कहते हैं। इसके जवाब में दीपांकर ने लिखा कि आपकी बातें आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही हैं, और फिर प्रमोद ने रिप्लाई किया, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। और 2 घंटे के बाद उनकी चैटिंग फिर से हुई, और इस बार प्रमोद ने लिखा, ठीक है तो कल मिलते हैं, लेकिन कहाँ? करनाल? तो इसका मतलब है प्रमोद को दीपांकर ने करनाल बुलाया था, लेकिन किस जगह बुलाया था ये मेंशन नहीं किया हुआ है। दीपांकर के इस सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से उसका नंबर मिल सकता है? सर जो नंबर इसके अकाउंट पर ऐड होगा वो मैं आपको दे सकता हूँ। सर ये नंबर है दीपांकर का। सुरेश जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर नंबर बंद है। ये नंबर सर्वेलेंस में डालो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, मुझे दीपांकर की हर एक डिटेल चाहिए। जी सर। हो सकता है प्रमोद की हत्या में दीपांकर का ही हाथ हो, और ये भी हो सकता है कि प्रमोद की फैमिली इस दीपांकर को जानती हो। हम इसे नहीं जानते, भैया के मुंह से कभी किसी दीपांकर का नाम नहीं सुना सर। सर दीपांकर का फोन राजस्थान के अलवर के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने वहां पे अलवर पुलिस को भेजा था, उन्होंने बताया कि उसका घर पिछले 6 महीनों से बंद है। सर दीपांकर और प्रमोद की दोस्ती 2 महीने पहले ऑनलाइन हुई थी, और उसके 1 महीने पहले तक दीपांकर की लोकेशन राजस्थान के कोटा की थी, और उसके बाद उसकी लोकेशन लगातार करनाल की रहने लगी। इसका मतलब है दीपांकर का करनाल में कोई ठिकाना होगा जहाँ उसने प्रमोद को बुलाया था। हो सकता है सर, मैंने कोटा पुलिस और करनाल पुलिस दोनों जगह दीपांकर की फोटो को भेज दिया। सर ये दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से एक नया नंबर सामने आया, किसी मधुबाला का है। ये दीपांकर और ये मधुबाला दोनों ही लगातार कॉल एक्सचेंज करते थे। मधुबाला कौन है ये? सर मैंने इसके बारे में पता किया, कोटा के हॉस्पिटल में नर्स है और वहीं हॉस्टल में रहती है। मधुबाला जी, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? जी आपसे ही मिलने आए हैं, आपसे दीपांकर के बारे में कुछ पूछना है। दीपांकर? आपका चेहरा बता रहा है कि आप दीपांकर को अच्छे से जानती हैं। जी जानती हूँ, पर आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? आजकल कहाँ है वो?
सर मुझे नहीं पता, उसका जब से फोन बंद हुआ है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। उसका फोन बंद है इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हो गया? मुझे खुद हैरानी हो रही है कि वो अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हो गया है, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मर्डर किया उसने अपने दोस्त का, पहचानती हैं इसे? सो ये कौन है? मैं दीपांकर के किसी दोस्त को नहीं जानती। मुझे तो लगता है आप लोगों को गलत फहमी हुई होगी। इतना भरोसा है आपको दीपांकर में? वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? मैं और दीपांकर कैजुअल फ्रेंड्स हैं बस, और अब तो काफ़ी वक्त हो गया वो मुझसे यहाँ मिलने भी नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है, और इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती क्योंकि और कुछ नहीं जानती। सुरेश सर, इस लड़की मधुबाला की पूरी डिटेल निकालो, मुझे ऐसा लगता है ये हमसे झूठ बोल रही है। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दीपांकर का फोन एक महीना पहले तक कोटा में ही एक्टिव था, और मधुबाला का हॉस्टल भी कोटा में ही है। कोटा पुलिस से हमें दीपांकर के बारे में कोई लीड मिली है? नहीं सर, फिलहाल तो कोई लीड नहीं मिली। कोटा, चुरू, सोनीपत, भागपत, हर जगह धूल चटवाई है तुम्हें। अब तो मान लो शेर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये चैलेंज पुलिस को मौजूदा वक्त से 13 दिन बाद मिला था, और मौजूदा वक्त में प्रमोद मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट दीपांकर का चौंका देने वाला इतिहास सामने आया था। सर ये दीपांकर तो बहुत ही पहुंचा क्रिमिनल निकला, अरवल पुलिस ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। सर कुछ महीने पहले शराब बेचने का धंधा करता था, सर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, राजस्थान के बहुत सारे बिजनेसमैन को धमकाने का आरोप लगा हुआ है, और सर एक अलवर के बिजनेसमैन को मारने का आरोप भी है। और सर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि जो लाश करनाल के हाईवे पर मिली थी वो प्रमोद की है। अगर दीपांकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसी ने प्रमोद को मारा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मामूली से लैब टेक्नीशियन को क्यों मारेगा? हाँ सुरेश। सर करनाल पुलिस ने दीपांकर के उस ठिकाने का पता लगा लिया जहाँ दीपांकर पिछले एक महीने से करनाल में किराए पर रहता था। ताला तोड़ो। सर कांच पे खून के धब्बे भी हैं। प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके जख्मों में भी कांच के टुकड़े मिले थे। मुझे लगता है प्रमोद का मर्डर यही हुआ है। सुरेश इन कांच के टुकड़ों पे जो ब्लड स्टेन्स हैं इन्हें प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करवा के देखो, और इस जगह से लेकर हाईवे की वो जगह जहां प्रमोद की डेड बॉडी मिली थी पूरे रास्ते में पूछताछ करो। ठीक है सर। शर्मा जी इस घर के मालिक को बुलाइए। जी सर। आपने बिना पूछताछ के ये घर दीपांकर को किराए पे दे दिया? सर दिखने में तो बहुत ही भोला भाला लगता था वो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीपांकर क्रिमिनल भी है। इसे पहचानते हैं? नहीं सर। प्रमोद नाम है इसका, 12 सितंबर की रात एक करनाल आया था, इसका यहाँ आना जाना था। सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। खाना खा लीजिए। माँ आपके खाना नहीं खाने से भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? वो वापस नहीं आएगा, यही सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। प्रमोद के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, प्रमोद के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था, और उसके जाने के बाद यह परिवार काफी नाजुक हालत में आ पहुंचा था। लेकिन सवाल यह था कि प्रमोद जैसे लैब टेक्नीशियन की हत्या का दीपांकर से क्या कनेक्शन था?
प्रमोद की हत्या का मोटिव क्या था? क्या दीपांकर ने प्रमोद को मारने की सुपारी ली थी? लेकिन किससे और क्या वजह थी कि दीपांकर ने सोशल मीडिया पर प्रमोद से दोस्ती की थी? क्या यह कोई षड्यंत्र था? इन सारे सवालों के जवाब दीपांकर की तलाश पर निर्भर थे। और इसी बीच दीपांकर के करनाल वाले घर से मिले ब्लड स्टेन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। सर, दीपांकर के करनाल वाले घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। प्रमोद को दीपांकर के घर पे मारा गया। मर्डर करके बॉडी डंप कर देना, अकेले दीपांकर ने तो नहीं किया होगा। हो सकता है उस रात उसके साथ कोई और भी रहा हो। और सर, दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे नंबर सामने आए हैं जिन्हें फेक आईडी देकर खरीदा गया था, लेकिन फिलहाल सारे नंबर बंद हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लोग दीपांकर की गैंग के हों? लेकिन सुरेश, एक बात मुझे शुरू से खटक रही है। प्रमोद जैसा मामूली सा लैब टेक्नीशियन दीपांकर जैसे अपराधी से ऑनलाइन चैटिंग क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद का दीपांकर के अपराधों से कोई कनेक्शन हो और यही उसकी मौत की वजह बना? इस प्रमोद की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। सर मैंने मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, मधुबाला का नंबर पिछले दिनों करनाल में एक्टिव रहता था। सर, मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड में 3 नंबर ऐसे हैं जो फेक आईडी के हैं और इन नंबर से अक्सर मधुबाला को कॉल किया जाता था, जो कि अभी बंद है। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात तो सुनिए। मैं कहाँ, क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे? अरे सर, मैं नहीं जानती दीपांकर कहाँ है, मेरा भरोसा कीजिए। इन नंबर से तुम्हें कई बार कॉल हुए हैं, किन के नंबर से हैं? अब बोलोगी या हम तरीका बदलें? सर, मैं नहीं जानती, हो सकता है दीपांकर ने कॉल किया हो। उसका फोन बंद होने के बाद उसने मुझे एक दो बार दूसरे नंबरों से भी फोन किया था। एक दो बार नहीं, कई बार। और तुम्हारा फोन करनाल में भी एक्टिव था जहां दीपांकर ने प्रमोद का मर्डर किया। ये है प्रमोद, तुम्हारा इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? सर, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं इसे जानती तक नहीं। दीपांकर के गैंग के बाकी मेंबर्स को तो जानती होगी। सर, दीपांकर गैंग? सर, मैं सिर्फ दीपांकर को जानती हूँ और उसका कोई गैंग नहीं है। वो तो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब धंधे हैं उसके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी उसके धंधों से कोई लेना देना हो? मेरा कुछ लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। मुझे तो लगता था कि वो बहुत अच्छे खानदान से है, अपना फैमिली बिजनेस संभालता है। मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा था मुझसे। चलो मान लिया कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन दीपांकर जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? सर, करीब 1.5 साल पहले मैं रुड़की के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। दीपांकर अपने पापा के कैंसर का इलाज कराने वहाँ आया था। काफ़ी वक्त तक मैंने उसके पापा की देखभाल की, पर कैंसर होने की वजह से वो ज़्यादा वक्त तक जी नहीं पाए। उनकी डेथ के बाद दीपांकर काफ़ी टूट सा गया था। उसी वक्त हमारी फ्रेंडशिप हुई। मतलब तुम उसे 1.5 साल से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि वो इस वक्त कहाँ है? सर, मैं नहीं जानती। सर, ये भी मुझे अभी पता चल रहा है आप लोगों से कि वो क्रिमिनल था। देखो मधुबाला, अगर दीपांकर के बारे में कुछ भी जानती हो तो सच सच बता दो। सर, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता दीपांकर का। मुझे सच में नहीं। क्या दीपांकर वाकई मधुबाला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे अंधेरे में रख रहा था? मधुबाला बार बार पुलिस से कह रही थी कि वो दीपांकर की आपराधिक छवि से बेखबर थी, लेकिन दीपांकर ने दोस्ती तो प्रमोद से भी की थी। तो क्या प्रमोद दीपांकर की आपराधिक छवि के बारे में जानता था? प्रमोद और दीपांकर की दोस्ती से दुश्मनी का ये राज अभी बेपर्दा होना बाकी था। और इसी बीच पुलिस को दीपांकर से जुड़ी एक और अहम जानकारी मिली। सर, कोटा पुलिस का फोन था, दीपांकर के कोटा वाले घर का पता चल गया जहाँ दीपांकर रहा करता था। कोटा चलने की तैयारी करो। सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे दीपांकर की लीड मिल सके। ये घर कब से बंद है? और उस दिन पता चला है कि यहाँ 1 महीने से ताला लगा हुआ है। पहले दीपांकर अक्सर यहाँ आया करता था। तो यहाँ दीपांकर के साथ कोई और भी रहता था? जी सर,
पूछताछ पे पता चला है कि एक लड़की भी उसके साथ रहती थी। कौन लड़की? पापा, ये पैसे कहां से लाई तू? भैया के बॉस का फोन आया था, उन्होंने मुझे लैब बुलाया था। ये भैया की आखिरी सैलरी है। अलमारी में रखते हैं। माँ, ये रही इस मंथ की सैलरी और ये रहा आपके लिए गिफ्ट। अरे बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही तेरे ऊपर घर के सारे खर्चे हैं, ऊपर से घर की लोन भी तू ही भरता है, ये सब की क्या जरूरत थी बेटा? आप ना बहुत टेंशन लेते हो, आप ना थोड़ा रिलैक्स करो। पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? सर, दीपांकर प्रमोद से जिस सोशल मीडिया अकाउंट से बात किया करता था वो दोबारा एक्टिव हो गया, और सर इसने इस बार ये पोस्ट किया अंबाला से। पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? मधुबाला को अभी के अभी छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सर, मैंने अंबाला पुलिस को इसकी लोकेशन अपडेट कर दी है। प्रमोद की हत्या के 10 दिन बाद दीपांकर ने सोशल मीडिया पर पहला धमकी भरा पोस्ट किया था और पुलिस को दीपांकर के हाइडआउट का भी पता चला था। सुरेश, अंदर चेक करो। सर, मुझे मालूम था तुम यहाँ आओगे लेकिन मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब इस कागज की बत्ती बना के। दीपांकर के इस सिरफिरेपन की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंबाला के बाद हरियाणा, यूपी और राजस्थान की कई जगहों से वो लगातार कई चेतावनी भरी पोस्ट अपडेट कर रहा था। सर, दीपांकर ने इस बार पानीपत से पोस्ट किया है। पानीपत पुलिस वालों, मैं खुद पानीपत में आ गया, हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ। सर, सर दीपांकर ने एक और पोस्ट किया है। तुम मुझे पानीपत में ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा करनाल में इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, पकड़ लो। त्यागी, पूरे करनाल में सेल लगा दो, कोई भी रोड छूटना नहीं चाहिए। ये कितना भी शेर बन ले, इसकी गिदड़ भपकी इस बार कामयाब नहीं होनी चाहिए। अब बोलो सुरेश। सर, दीपांकर ने इस बार आगरा से एक नया वीडियो पोस्ट किया। वीडियो? मैंने मारा प्रमोद को। पानीपत पुलिस वालों, अगर मर्द हो तो मर्द से बातें करो, पकड़ के दिखाओ मुझे। आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर उस मासूम मधुबाला को 2 दिन में नहीं छोड़ा तो उसके एक एक आंसू का बदला तुम सबसे लूंगा। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी औरतों को उठा लूंगा, फिर ना अपनी वर्दी की इज्जत बचा पाओगे ना अपनी औरतों। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, हमें किसी भी तरह इस आदमी को पकड़ना है वरना पूरा मीडिया हमारी जगह सही करेगा। अपने खबरियों के नेटवर्क को फैलाओ, मुझे जल्द से जल्द आदमी अंदर चाहिए। मूव। ओके सर। पुलिस इस बार पूरी मुस्तैदी से दीपांकर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक के बाद एक नई कोशिशों में असफलता हाथ लगने के बाद अब पुलिस को दीपांकर को पकड़ने का एक और मौका मिला था।
जगह थी हरियाणा का सोनीपत शहर। बस इंतजार था दीपांकर और पुलिस के आमने सामने आने का। सुरेश, बी अलर्ट। ए, गाड़ी रोक। ए, रोक। चला। सर, हाथ को आया पर मुंह ना लगा। अब मैं चला विदेश, कभी ना पकड़ पाओगे मुझे। एक कुख्यात अपराधी अब विदेश भागने की फिराक में था और अब पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को और भी सक्रिय कर दिया था। और कुछ दिनों बाद पुलिस को दीपांकर की एक और सूचना मिली। हाँ अशोक, बोल। साहब, सोनीपत ना से यूपी के गाजीपुर में चांस मार सकते हो। चांस नहीं मारना अशोक, सीधे दबोचना है उसे। खबर बोल। दीपांकर उसके गैंग ने गाजीपुर में एक सुपारी ली है साहब, और आज रात वो किसी का मर्डर करने वाले हैं। उससे पहले हम उसे खत्म कर देंगे। तू ठिकाना बता उसका। पैकिंग हो गई के? चल जल्दी कर, निकलना है। शेर तो कभी मुर्गा नहीं बनता। अब बोल, क्या है तू? प्रमोद को क्यों मारा? मैंने ना मारा किसी को, और तो सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट भी मेरा ना है। कोई मेरा फोटो डाल के बदनाम कर रहा है मुझे। ऐसा मैं कोर्ट में बोलूंगा। घास छाना ना बना है। तेरी सहेली है ना मधुबाला, सब कुछ उगल चुकी है। सर, मधुबाला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। 7 साल पहले अंबाला के एक इंस्टीट्यूट में ये नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, और सर प्रमोद भी उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। मतलब मधुबाला प्रमोद को पिछले 7 साल से जानती थी, तो हो सकता है प्रमोद के घर वाले भी मधुबाला को जानते हो। जी, इसे पहचानती है? ये भैया की बहुत अच्छी दोस्त थी। भैया इसे शादी भी करना चाहते थे। करीब 7 साल पहले की बात है। मैंने उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाया था, पर मेरे पापा को पसंद नहीं आया। प्रमोद की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। पापा को लगता था कि वो मुझे कभी खुशी नहीं रख पाएगा। आई एम सॉरी प्रमोद, पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे। उसके बाद रुड़की में मेरी जॉब लग गई, हॉस्पिटल में। वहाँ मैं दीपांकर से मिली और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। सर, पापा को वो बहुत पसंद आया। उसके पास घर था, गाड़ी थी। पापा को लगता था वो मुझे बहुत खुश रखेगा, पर सर हम ये नहीं जानते थे कि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड प्रमोद की उससे दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती मैंने की उससे क्योंकि वो मुझसे मेरी मधुबाला को छीनना चाहता था। तुम अभी प्रमोद से बात करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है दीपांकर। मैंने तो उसी दिन उसे खत्म करने की सोच ली थी, लेकिन वो मधुबाला के टच में था, इसलिए मैंने प्रमोद से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और 12 सितंबर को मैंने उसे करनाल बुलाया।
वो तो तेरा पास था ना। ये हुई ना बात। चल कुचल दे उसे। अरे चल कुचल। अरे चलना। सर मैं दीपांकर को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली। तो तुमने क्या सोचा था, एक क्रिमिनल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर देगा? झूठी चकाचौंध को देखकर हम अक्सर बुरे को अच्छा समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्ती, प्यार, शादी, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।